नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं, और सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उनका एक गाना कल रिलीज होने वाला है, यानी कि 22 दिसंबर को मंगलवार के दिन ये गाने को रिलीज किया जाएगा। और ये गाना पहले यानी कि एक हफ्ता पहले से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में है क्योंकि ये गाना हिंदी है और इस गाने का नाम इश्क है। तो इश्क 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 प्यार इश्क कितनी बड़ी बातें होती है आप ये जानते होंगे। तो इस पर आधारित ये गाना सोशल मीडिया पर पहले से ही इसके पोस्टर बैनर वायरल हो रहे हैं, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वायरल जो हो रहे हैं गाने वो खेसारी लाल यादव का किस मुकाम तक पहुंचता है और किस हद तक इनका गाना जो है ये सुपर डुपर हीट होता है। बात करें तो इस गाने का पोस्टर जो लॉन्च किया गया है, इस पोस्टर में तो एकदम जबरदस्त तरीके का स्टाइल दिया गया है, लुक दिया गया है, जिसमें खेसारी लाल यादव लंदन वाले ब्रिज के आगे नजर आ रहे हैं। तो इससे तो ये साबित होता है कि भैया ये गाना जो है विदेशी लुक में आएगा, यानी कि विदेश में इस गाने की शूटिंग की जाएगी। तो लॉकडाउन के बाद मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव का ये पहला गाना होगा जिसको बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया में शूट किया गया है। दूसरी खास बात यह है कि इसमें कोई नई हीरोइन हो सकती है, और नई हीरोइन जब भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी कलाकार के साथ आती है और खास करके खेसारी लाल यादव के साथ, तो भाई उसको देखने के लिए लोग तो बेताब हो जाते हैं। और तीसरी बड़ी बात कि इसमें फीमेल सिंगर कोई अंतरा सिंह प्रियंका और प्रियंका सिंह और शिल्पी राज जैसी गायिका नहीं है, उनका नाम है हनिष्का। उनका नाम अगर बात करें तो हनिष्का नेगी है, हनिष्का नेगी जो है इन गाने में आने वाली है। तो ये टॉप 3 चीजें हैं जो कि यूनिक आपको इस गाने की ओर ले जाएगी, और अब कल रिलीज हो जाएगा तो देख पाएंगे कि आखिरकार ये गाना कैसा है। बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों साउंड है, तो मेल जो मेन साउंड है वो खेसारी लाल यादव का है, और जो फीमेल गायिका है वो आपके हनिष्का नेगी है। अगर हम लिरिक्स की बात करें तो अभी चर्चा अपने बयानों को लेकर चर्चा में जो यादव राज हैं वो हैं, जो कि कई सारे गाने खेसारी लाल यादव को लिखते नजर आते हैं। वही म्यूजिक की बात करें तो विनय विनायक जो है इसके म्यूजिक कंपोजर यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो कि अपने कई सारे म्यूजिक को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो इस प्रकार के लोग अगर कोई गाने को बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो गाना ब्लॉकबस्टर होने वाला होता है, और वो गाना सोशल मीडिया पर तहलका मचाते रहता है। तो बात करूं तो इस गाने को कल आप जो है स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं 22 दिसंबर मंगलवार के दिन, और सुबह जो है 7 बजे इस गाने को रिलीज किया जाएगा। और अभी से ये गाना सुर्खियों में है तो उस गाने का लाखों लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का ये गाना आखिरकार लोगों को कैसा लगेगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपने इस पोस्टर को देखा है तो हमें ये भी बताइए कि आपको पोस्टर कैसा लगा, और जिस तरीके का पोस्टर है क्या ये गाना उतना ही कमाल कर पाएगा। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाइए पिंटू सिंह यादव सर्कल का जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।